ओम शांति। आज की तारीख है 17/8/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने हरा भरा बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है। उत्तर है सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के यादगार बनना यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत बजा है जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। धारणा के लिए मुख्य सार की दो मीठी बातें। नंबर एक है बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में ले चलने के लायक बनाना है। नंबर दो दुनिया का संग कुसंग है इसीलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान सतगुरु बाबा का संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हरेक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो इसीलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है डायमंड बन डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।